नमस्कार, न्यूज बाइस को आप देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ अमित झा। आज कैबिनेट की बैठक में सहायक पुलिसकर्मी जो है झारखंड के, उम्मीद लगा के बैठे थे कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है वो उसमें आएगा, लेकिन पारित नहीं होने के बाद ये काफ़ी नाराज थे, निराश थे। उसके बाद अचानक से इनके पास हफीजुल हसन जो मंत्री हैं उनका फ़ोन आता है और उसके बाद में SSP का भी कॉल आता है मिलने के लिए। हमारे साथ विवेकानंद जी हैं जो अभी हफीजुल हसन के आवास से निकले हैं, उनसे मिल करके क्या वार्ता हुई है हम बात करते हैं। क्या बातें हुई सर से? हम लोग जो विषय था वो लगभग रखे और जो सहमति बनी थी वहाँ पोह की स्थिति थी वो भी रखे। तो हफीजुल हसन सर का कहना था कि कुछ ऐसा द्वंद था कि हम लोग CM सर के बोलें, और CM सर का कहना था कि यदि जो सहमति बनी उसको हम पारित कर देते हैं, अब यदि वो नहीं मानेंगे तब हम लोग का भी थोड़ा सा हल्कापन होगा। तो इसलिए असमंजस का स्थिति है कि उन लोग उतना में मान जाता तो हम दे देते, ये उनका कथना है। तो हम लोग इससे पहले माननीय विधायक सुदीप सोनू सर से बोले थे कि सर हम लोग तो एक उस पर चिंतन मंथन के लिए कह रहे थे, यदि आप उसके लिए इच्छुक नहीं हैं तो कम से कम जो सहमति बनी है उसको कैबिनेट से हमको दिलवा दीजिए। तो माननीय विधायक महोदय के तो हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए थे, लेकिन माननीय मंत्री जी शायद उनके तक न पहुंचा हो, क्या स्थिति हो तो वो जानेंगे, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि आपका जो सहमति है वो काम होगा और उम्मीद है कि भविष्य में अगला जो कैबिनेट होगा उसमें होगा, लेकिन आपके जो मांग है, जो सहमति बने हैं उसके प्रति मेरा जो भी पहल कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। बाकी आप लोग अपना कल बोले कि कॉल करके अपना स्तर से क्या होगा पहल, वो कल कॉल करके कुछ हम बताएंगे। तो क्या क्या मतलब आपको क्या लगता है कि 15 अगस्त से पहले अगर कैबिनेट की बैठक अगर नहीं होती है या फिर कुछ उसमें नहीं आता है फिर आप लोग क्या? देखिए, बहुत बड़ा एक धर्म संकट और रोहापोह की स्थिति है, लेकिन हम लोग का जो सहायक पुलिस कर्मियों की मंशा है वो क्लियर है कि जो कम से कम जो सरकार बोली थी वो दे दे। तो इस संबंध में मैदान में जो संडोलतोलन का विषय है अब वो करवाना भी है, तो इस संबंध में या तो सरकार हमारी उपस्थिति में मिलजुल कर झंडोलतोलन करवा ले, या तो फिर हम लोग के फोर्सेबल ढंग से हटा के ई करवा ले, झंडोत्तोलन करवा ले। लेकिन सहायक पुलिस कर्मियों को स्वेच्छा से ग्राउंड छोड़ने की इच्छा नहीं है, हम लोग जो वस्तु स्थिति को समझे। यानी कि अभी ग्राउंड आप लोग खाली नहीं कीजिएगा जब तक आप लोग का कंफर्म नहीं हो जाए, जब तक आप लोग का ये कैबिनेट में नहीं आ जाए तब तक ग्राउंड नहीं खाली। हाँ, सहायक पुलिस कर्मियों की यही मंशा है कि जो मिल रहा है वो मिल जाए तो स्वेच्छा से खाली कर देंगे, नहीं तो एक पुलिस और पुलिस के बीच संभवतः टकराव की स्थिति देखने सुनने को मिल सकता है। SSP ऑफिस आप गए थे? नहीं, हमारे भाई लोग गए थे, हम लोग यहाँ आ गए थे हफीजुल हसन सर के पास, बाकी भाई लोग वहाँ गए थे। राजकुमार जी, SSP ऑफिस गए थे, क्या वार्ता क्या हुई? देखिए, वहाँ वार्ता जो हुआ था कि झंडा तोलन के लिए उन लोग को भी SSP सर वगैरह का दबाव भाई सरकार के ऊपर है, 15 अगस्त हर कोई मनाता है, तो परेड उरेड के लिए पहले ग्राउंड खाली करना पड़ता है। शायद हमको लगता है कि 24 साल से मोराबादी में ही 15 अगस्त 26 जनवरी मनते होंगे, तो ग्राउंड खाली करने का प्रेशर है हम लोग के ऊपर कि आप लोग ग्राउंड खाली स्वेच्छा से कर दीजिए कल तक, क्योंकि कब परेड का जो है वो टाइम हो गया है समय, तो परेड चलता रहेगा रिहर्सल के लिए। तो हम लोग धर्म संकट में है कि हम लोग करें कहाँ, क्योंकि उन लोग बोल रहे हैं कि ग्राउंड आंदोलन आप करो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे जगह शिफ्ट कर देते हैं, फिर 17 को 16 को आ जाना ग्राउंड में, आप आंदोलन करो। आंदोलन रोकने के लिए विभाग रुक नहीं रहे, लेकिन हाँ परेड रिहर्सल के लिए 15 अगस्त झंडा तोलन के लिए कार्यक्रम के लिए वहाँ से तो हटना पड़ेगा, इस तरह का दबाव है। अब देखते हैं, अब हम लोग अपने ग्राउंड में जाकर पूछते हैं सबसे क्या है नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त मानना चाहिए, पूरा देश का ये आन बान शान तिरंगा है और राष्ट्रीय पर्व, तो हम लोग खुद मनाते आए हैं, बहाल नहीं हुए थे तो भारतीय होने के नाते हम लोग मनाते आए हैं, तो मनाएंगे भी, इस बार भी उल्लास के साथ ही मनाएंगे। नौकरी मिलना ना मिलना अलग विषय है, लेकिन अगर हम भारतीय हैं तो झंडा तो हम फहराएंगे ही, ठीक है CM सर को वहीं फहराने का मन है तो वो भी फहराएं, लेकिन फिर विचार करते हैं कि हम लोग को कहाँ रखा जाएगा, क्या किया जाएगा, बाकी आगे देखते हैं, आज रात में हम लोग मीटिंग वीटिंग करके बताते हैं आप लोग को। तो ये प्रतिनिधि मंडल है सहायक पुलिस के और ये लोग SSP से मिले हैं, हफीजुल हसन जो मंत्री हैं उनसे मिले हैं, अब मिलने के बाद
साफ तौर पर एसएसपी का जो कहना है कि 15 अगस्त है और यह जो है तमाम तरह के जो फंक्शंस हैं वो मुरादाबादी मैदान में होते हैं, तो आप लोग स्वेच्छा से मुरादाबादी मैदान खाली कर दीजिए, हम लोग आंदोलन के लिए रोकेंगे। वहीं हफीजुल हसन से बात करने के बाद साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हमारे ध्यान में है और हमने जो बिंदु है आप लोगों का वो रखा है सीएम हेमंत सोरेन के सामने, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन संभवतः अगली जो कैबिनेट होगी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग की जो मांग है वो पूरी हो। अब देखना, यह बहुत बड़ी बात है कि कैबिनेट पे कैबिनेट बीतते जा रहा है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों का जो हक है, जो जिस मांग को लेकर के ये तमाम सहायक पुलिसकर्मी जो मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। अब कितनी जल्दी सीएम हेमंत सोरेन इनकी बातों को सुनते हैं और इन पे अनुसरण करते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी तापस को दीजिए इजाज़त, देखते हैं न्यूज़ वॉइस को। धन्यवाद।